प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आसीन दौरे को लेकर आज सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी करने के साथ ही सेना ने हेलीकॉप्टर से पूर्वाभ्यास भी किया है। प्रधानमंत्री के आगमन में मात्र एक दिन शेष रह गया है। भगवान देवनारायण की जन्मस्थली मालासेरी में 28 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 95 मिनट के कार्यक्रम को लेकर अब सुरक्षा चाक चौबंद कर दी गई है। वहीं आज सेना के हेलीकॉप्टरों ने हेलीपैड को परखने के लिए पूर्वाभ्यास भी किया। प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर 3 मुख्य और 2 अतिरिक्त हेलीपैड बनाए गए हैं। प्रशासनिक व्यवस्था में भी माकहौल नजर आ रही है। वहीं पार्किंग और पंडाल को लगभग अंतिम रूप दे दिया गया है। स्थानीय पुलिस SP के साथ खुफिया तंत्र भी अपने अपने काम में जुट गए हैं ताकि किसी तरह की कोई परेशानी न हो। वहीं भगवान देवनारायण भगवान के 1111वें जन्मोत्सव माघ सप्तमी पर प्रस्तावित प्रधानमंत्री मोदी दौरे को लेकर मालासेरी मंदिर ट्रस्ट पदाधिकारी उत्साहित है। मालासेरी मंदिर पुजारी हेमराज पोषवाल ने हमारे संवाददाता प्रहलाद तेली से चर्चा करते हुए बताया कि इस बार भगवान देवनारायण का 1111वां अवतरण दिवस मनाया जा रहा है। इस मौके को ऐतिहासिक बनाने के उद्देश्य से मंदिर ट्रस्ट समिति द्वारा प्रधानमंत्री जी को आमंत्रित किया था, जिसे मोदी जी ने हमारे निमंत्रण को स्वीकार किया और माघ सप्तमी 28 जनवरी को मोदी का दौरा, इसके लेकर लोगों में काफी उत्साह है और ट्रस्ट व देव भक्तों द्वारा पीले चावल भी बांटे गए हैं। अभी हम पहुंचे असिंध क्षेत्र की मालासेरी डूंगरी पर। यही वो मंदिर है जहां भगवान की 1111वीं जन्मोत्सव यहां मनाया जा रहा है और 28 जनवरी को भगवान के दर्शन करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यहां दौरा भी प्रस्तावित है, उसको लेकर आसपास क्षेत्र में तैयारी की जा रही है। साथ ही अभी हमारे साथ मौजूद है मंदिर के प्रमुख पुजारी हेमराज जी पोषवाल, इनसे चर्चा करते हैं प्रधानमंत्री जी को दौरे को लेकर किस प्रकार आपने निमंत्रण दिया और क्या जो पूरी अब तक की जो रूपरेखा बनी है कैसे क्या है। देखिए, भगवान देवनारायण का 1111वां अवतरण दिवस है तो ये ऐतिहासिक हो, इसी सिलसिले में हमने देश के प्रधानमंत्री जी को निमंत्रण दिया और उन्होंने स्वीकार किया और वो 28 जनवरी को देवनारायण भगवान के दर्शन करने और उनका आशीर्वाद लेने यहाँ पधार रहे हैं, जिसमें जन जन के करोड़ों लोगों के आस्था का जो केंद्र है यहाँ पे 1111 साल पूर्ण होने पर पूरे देश के लोग यहाँ पधार रहे हैं और सब अपना आशीर्वाद लेके देवनारायण भगवान का आशीर्वाद लेके वो यहाँ से जाएंगे। यही वो पवित्र स्थल है जहाँ पर भगवान ने अवतार लिया था देवनारायण भगवान। गुजर समाज में भी खासा उत्साह है और साथ ही एक कॉरिडोर की भी यहाँ घोषणा की एक संभावना जताई जा रही है, क्या कहना चाहिए इस बारे में। देखिए, ये बहुत ही तपस्वी है। साधु माता ने यह अखंड तपस्या करी, उनसे प्रसन्न होकर के भगवान विष्णु को देवनारायण रूप में यहाँ प्रकट होना पड़ा, तो इनसे बड़ी चीज़ कोई हो ही नहीं सकती है, क्योंकि मोदी जी भी एक विशेष स्वरूप है तो वो इस भूमि में आ रहे, इसमें जो तपोस्थली है तो जो हमारे को जो यहाँ की आवश्यकता है उनको कहने की जरूरत नहीं है, वो जैसे देश में जो व्यवस्था चलती है उनके अनुरूप यह मंदिर है तो सब उनको पता है, जो करना नहीं करना उनके ऊपर निर्भर है। हम तो केवल उनको दर्शन के लिए इन्वाइट किया और वो दर्शन के लिए पधार रहे हैं तो ये देव भक्तों में हर्ष की लहर है। बिल्कुल, देव भक्तों में हर्ष की लहर है। साथ ही हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि यही वो पवित्र स्थल है जहाँ पर 1111 वर्ष पूर्व भगवान देवनारायण ने जो विष्णु के अवतार माने जाते हैं इस स्थान पर उन्होंने अवतार लिया था और ये मनमोहक जो दृश्य और जो श्रृंगारित प्रतिमाएं हम देख सकते हैं वही मेन पीठ स्थान कह सकते हैं जहाँ पर मालासेरी की डोंगरी का ये मुख्य स्थान है जहाँ पर भगवान देवनारायण का यहाँ पर अवतार हुआ था और इसी अवतार के 1111वीं जो जन्मोत्सव उसी के दौरान दर्शन करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुँचने वाले हैं और इसी को लेकर यहाँ पर तैयारियाँ जारी है और साथ ही देव भक्तों के साथ ही गुजर समाज में इसका खासा उत्साह देखा जा रहा है। उसके लिए मैं ब्यूरो से प्रहलाद तेली।